सो हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, आज 500 रुपये आप लोग लगाते तो 4000 का प्रॉफिट होता गाइज। सिर्फ 500 लगाते 4000 का प्रॉफिट होता, और ये रोज़ एक्सपायरी में होता है। रोज़ आप लोग मात्र 500 से 1000 रुपये लगा के 2000-3000 प्रॉफिट कर सकते हो रोज़ाना। सो गाइज, उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 मंथ का लर्निंग करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो कैसे ये ऊपर जा रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने मोटा कर लिया। हाँ गाइज, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा मैंने इसको पेंसिल को थोड़ा सा मोटा कर लिया, ताकि मुझे बताने में बहुत ही ईजी तरीक़ा से मैं बता सकूँ। सो आप लोग समझ भी सको बहुत ही ईजी तरीक़ा से। सो अगर ये बिगनर्स हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप एक एडवांस लेवल के नॉलेज वाले व्यक्ति हो वो भी देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बना सकते हो। मात्र आप लोग को बस साइकोलॉजी को ठीक करना है, बाद में कि पैसा तो आप लोग मात्र वीक में जो 5 दिन यहाँ पे मार्केट ओपन रहते हैं, आप लोग मात्र कभी गलती से 1 दिन यहाँ पे लॉस कर पाओगे। अगर जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन चेन वाला, ओआई डाटा वाला, यहाँ पे देख सकते हो ओआई डाटा वाला जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो MTNL स्टॉक आज कितना परसेंट भागा है, 20% का यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट लगने वाला है। ऐसे ऐसे स्टॉक भी आप लोग को मैं देने वाला हूँ गाइज। पहले तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कैसे यहाँ पे आप लोग जैसे कोई सा भी 2 रुपये वाला प्रीमियम ले लेते हो, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, और वो नीचे ही चला जाता है, कभी प्रॉफिट ही नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग को। सो वो सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ मैं आप लोग को ठीक करने वाला हूँ। देख सकते हो अभी यहाँ पे था एक्सपायरी, कैसे यहाँ पे ब्लास्ट होता है इस, देख सकते हो अभी मैं दिखाता हूँ एक्सपायरी का कमाल। देख सकते हो कैसे बूम करता है एक्सपायरी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो स्पाइक्स कैसे मिला यहाँ पे, ये कितने पे था अभी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे था ये 25 रुपये पे, और तुरंत चला गया 55-60 पे। यहाँ पे देख सकते हो 63, यहाँ पे 60, कैसे यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, इसे ही कहते हैं एक्सपायरी का मूवमेंट। 64-65 ऐसे ही पैसा बनता है गाइस। 500 रुपये कभी कभी लगाओगे तो 67-70 भी जाएगा। अभी ये देखो, ये 70 भी जाएगा, बस मूवमेंट यहाँ पे आप लोग को देखना है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी आप लोग को क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, लेकिन ये 70 भी क्रॉस करेगा, आप लोग बस देखते रहिए। यहाँ पे 47,000, यहाँ पे देख सकते हो 24,700, यहाँ पे 700 का कॉल है ये। सो यहाँ पे ये जाएगा ऊपर भी। सो गाइस, ये सब मोमेंट आप लोग को पकड़ने के लिए बस एक्सपायरी को आप लोग को बस जानना होगा। देख सकते हो कैसे मोमेंट किया अभी एक्सपायरी के दिन में। सो यहाँ पे ये ऊपर क्यों गया, अभी देख सकते हो ऊपर क्यों जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया और ये अभी ऊपर ही जाएगा। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 700, देख सकते हो अभी ये 70 भी जाएगा। मैंने क्या बोला, 70 भी ये क्रॉस, हाँ 70 देख सकते हो, ये यहाँ पे 73 चला गया। ओ भाई, अभी देख सकते हो कैसे ये 80 भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक्सपायरी का मोमेंट इसी टाइम आप लोग को देखने को मिलेगा। बस आप लोग मेरे वीडियो को देखो और बस प्यार दो, यहाँ पे पैसा बनेगा। और यहाँ पे इतना, यहाँ पे इस टाइम में क्यों बताया, क्योंकि स्पाइक्स मिलता है एक्सपायरी के दिन 1 बजे के टाइम स्पाइक्स मिलता है, और पैसा बहुत ही जल्दी बनता है गाइज यहाँ पे। सो यहाँ पे बकवास बहुत हुआ, अब मैं एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ क्या सब करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए आप लोग को, और एक्सपायरी के दिन क्या सब ध्यान रखना पड़ेगा ओआई को देखने के लिए। सो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को निफ्टी 50 में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी 50 पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 2 डे लो आप लोग को देख लेना है। ओके गाइज, सबसे पहले FNO पे आ जाना है। ओके गाइज, सबसे पहले FNO पे आ जाना है। ओके, FNO पे हमने आगे, उसके बाद टोटल पुट ओआई देख सकते हैं और टोटल कॉल ओआई। तो यहाँ पे टोटल पुट हुआ है, ये चाहता है मार्केट को ऊपर उठाना और ये चाहता है मार्केट को नीचे गिराना। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, वो बेसिकली यहाँ पे ये ज़्यादा है। तो ये चाहता, जो यहाँ पे पुट सेलर रहता है ना, वो हमेशा मार्केट को ऊपर ही उठाना चाहते हैं। आप लोग जो गलत बहम में रहते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, पुट वाला चाहते हैं हमेशा मार्केट को ऊपर उठाना, ये आप लोग आज जान लो, तभी जाके पैसा बनेगा। सो इतना हो गया, अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को गाइस करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे टोटल पुट ओआई यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, अब आप लोग को ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है।
ओवरव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब टुडे लो देख लेना आप लोग को, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाना है और यहाँ पे देख लेना टुडे लो कितना है, 24,500। ओके गाइस 24,500 यहाँ पे टुडे लो। अब टुडे लो 24,500 ही क्यों है, आज देख सकते हो जून 18 है, यहाँ पे आज एक्सपायरी है। सो यहाँ पे 24,500 यहाँ पे 24,500 से यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे पुट वाला जो है पुट हुआ है, ये हमेशा चाहते हैं मार्केट को ऊपर उठाना, ये हमेशा चाहता है मार्केट को ऊपर उठाना और ये चाहता है हमेशा मार्केट को नीचे गिराना। कॉल हुआ है कॉल सेलर, और यहाँ पे ये जो है ना बहुत बड़े यहाँ पे ऑपरेटर है गाइज, ये ऑपरेटर है 6,11,065 लॉट लगाया गाइज अरबों खरबों का, यहाँ पे कम से कम हज़ार यहाँ पे लाख करोड़ का यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाख यहाँ पे हज़ार करोड़ में, यहाँ पे लाख करोड़ में ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे हज़ार करोड़ में। सो अब यहाँ पे हमेशा ये जीतेगा या ये जीतेगा, ये आप लोग अंदाज़ा लगाओ, अब हमेशा ये जीतेगा, ये वाला हमेशा जीतेगा, यहाँ पे पुट सेलर हमेशा जीतेगा, हमेशा ये मार्केट को ऊपर ही। तो यहाँ पे 24,500 पे जब मार्केट आया तो आप लोग को क्या करना, एकदम एग्जैक्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे कॉल ले लेना चाहिए था 24,500 का, 24,500 का यहाँ पे आप लोग को कॉल ले लेना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कहाँ तक आया था, अभी मैं दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो आया था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, 60 से 70 के बीच में आप लोग को ले लेना था, और यहाँ पे क्या करना है 50 रुपये का SL लगाना था, और यहाँ पे टारगेट जो था 200 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया। सो यहाँ पे गया था कितना, 251 तक गया, तो मुझे 200 यहाँ पे 150 पॉइंट कैप्चर करना था, ज़्यादा नहीं 150 पॉइंट कैप्चर करना था। अब इतना जो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो, तो भाई आप लोग आप बता तो रहे हो लेकिन इतना ईजी नहीं है, तो ईजी है बस आप लोग समझो गाइस। सो अब आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को कॉल प्राइस समझना पड़ेगा, पुट प्राइस समझना पड़ेगा, OI क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, यहाँ पे जो है इंट्रेंसिक वैल्यू समझना पड़ेगा, यहाँ पे ATM OTM और यहाँ पे ITM समझना पड़ेगा। सो आप लोग को ये सब तो पता होगा, लेकिन कभी कभी आप आते हो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, अब बिगनर्स करता क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है निफ्टी 50 में जाता है और देख रहा है मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अब देखो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर गया है, मार्केट अब मूवमेंट कर गया, मार्केट में अभी एंट्री करने लायक ही नहीं है मार्केट, अब एंट्री कर गया, अब वो सोच रहा है मार्केट तो अभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाएगा एकदम से फटाक से, वो क्या करेगा यहाँ पे 14 रुपये वाला प्रीमियम बाय करेगा एकदम से, कितना लोट यहाँ पे क्या करेगा 200 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेगा, कितना का 3,000 यहाँ पे ये लगा दिया है, अब यहाँ पे क्या करेगा 500 लॉस में दिखेगा वो एकदम से क्या करेगा निकल जाएगा, फिर से क्या होगा ये ऊपर जाने लगेगा, फिर से वो क्या करेगा फिर से वो एंटर करेगा। तो ऐसे होता है गाइस, ऐसे ही होता है एक बिगनर्स का माइंडसेट, ये मार्केट में आता है ऊपर नीचे करते हैं और यहाँ पे क्या होता है वो आराम से मार्केट को पैसा दे देता है और इजीली तरीके से वो लॉस करके जाता है। अब आप लोग को समझाता हूँ कि OI को देख के कैसे ट्रेडिंग करना है गाइस। सो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मेन खेल जो है यहाँ पे OI को लेकर है, तो आप लोग को क्या करना है OI पे क्लिक कर देना मेरे दोस्त, OI पे क्लिक कर देना। अब आप लोग को देखना है सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है यहाँ पे देख सकते हो 24,500 पे सबसे ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 24,500 पे है, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा है, पुट OI सबसे ज़्यादा है और कॉल OI सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इस साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो 24,700 पे। तो हम लोग को देखना है 24,700 तक मार्केट गया था, ओके गए 24,700 10-20 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन ये डराने के लिए गया था, तो यहाँ पे भयभीत नहीं होना आप लोग को एग्जिट नहीं करना है पोजीशन, 50 पॉइंट यहाँ 50 पॉइंट मूवमेंट करता है ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या करना है 24,700 पे आप लोग को क्या करना था, एक जो था यहाँ पे दो बार यहाँ पे मूवमेंट मिला, 24,700 पे आप लोग को क्या करना था पुट OI यहाँ पे बाय करना था, 24,700 पे पुट OI यहाँ पे क्या करना है, सॉरी गाइस यहाँ पे पुट बाय करना था 24,700 पे। अभी तो मार्केट लॉस में होगा, सो अभी तो ये नीचे गया था, जब यहाँ पे आया था ये 24,000 यहाँ पे जब आया था ये यहाँ पे कितने पे आया था 50-60 पे आया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना 150 पॉइंट 200 पॉइंट को आप लोग यहाँ पे मिल जाता, तो यहाँ पे 200 तक गया था तो 150 पे आप लोग एग्जिट कर जाते, अगर 60 पे भी यहाँ पे
यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे इतना इजी है नहीं। आप लोग ये भी सोच रहे हो तो यहाँ पे क्या करना था, आप लोग को 24,500 पे जब आया था मार्केट तो आप लोग को क्या करना था, इस वाले ऑप्शन पे आना है डायरेक्ट एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। 24,500 पे आया था मार्केट तो आप लोग को क्या करना था, यहाँ पे 24,500 पे जब मार्केट आया था तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या करना था, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना था। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना था, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देना था, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मार्केट आया था कितने तक आया था, यहाँ पे 24,500 तक आया था यहाँ पे, सॉरी गाइस एक मिनट गाइस, 24,000 तो ये वाला कैंडल था ना हमारा, ये वाला था गाइज। अरे यार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला कैंडल था हमारा, यहाँ तक मार्केट आया था। तो ये हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, अब जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया था तो यहाँ पे क्या करना था, वाई को देख के यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था। अब यहाँ पे और सबसे ज़्यादा हुआ कितना था, 24,700 पे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को क्या करना था, ऊपर में डालना था, ऊपर में कहाँ पे, 24,700 पे। तो 24,700 कहाँ है, यहाँ पे है 24,700 का लेवल यहाँ पे, तो आप लोग को थोड़ा सा नीचे इधर डालना 24,000 यहाँ पे। अब देख सकते हो मार्केट यहाँ पे जब गया था 24,000 यहाँ पे गया था, यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे गया था 24,000 यहाँ पे 700 पे, तो यहाँ पे मार्केट गिरना स्टार्ट किया, फिर से यहाँ पे 24,500 पे आया था, फिर से मार्केट ऊपर गया। अब इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ से इस लेवल पे यहाँ पे जो है यहाँ से जो है ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बिग ब्रेकआउट, यहाँ पे देख सकते हो गाइज बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले लेवल पे, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बिग मनी यहाँ पे लगाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो यहाँ पे 24,700 का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 24,700 का कॉल यहाँ पे कितने पे गया है गाइज, ओ भाई 85 तक गया था अभी तक। अब ये जो 100 क्रॉस करेगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है रिटेलर का यहाँ पे जो है थोड़ा सा माइंड यहाँ पे ब्लो कर रहा है यहाँ पे मार्केट। सो गाइज अब यहाँ पे जो है बिग मनी लग रहा है अब, क्योंकि बिग ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट बंद होगा तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 24,700 पे कितना ज़्यादा ओआई था, 24,700 पे देख सकते हो जब ओआई ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बिग मनी, जब यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ, जब यहाँ पे बिग मनी अभी देख सकते हो दोनों आसपास यहाँ पे बराबर आ गया इक्वल में। अब जो यहाँ पे 24,750 तक मार्केट यहाँ पे जाएगा और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इस साइड जो है कॉल यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ पे 24,738 से ऊपर मार्केट यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ही नहीं जा रहा है, 24,050-60 पे जाएगा वहाँ से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट ऊपर जाएगा। सो यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा क्योंकि बिग मनी यहाँ पे लगा है 24,750 पे, सो वहाँ से मार्केट यहाँ पे जो है वहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गाइज आप लोग को क्या करना है, 24,750 का यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, पुट ले लेना है 24,750 का आप लोग को यहाँ पे, 24,750 का यहाँ पे एकदम से क्या करना है, 44 पे गया था तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, डायरेक्ट ओपन प्राइस रखना है और यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे एक लॉट बाय करना है, और यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट के रखना है, सो मैं अभी बता देता हूँ, टारगेट इसका रहेगा 100 पॉइंट का। सो यहाँ पे मैं बता दूंगा, बाद में आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो 24,750 का यहाँ पे लेवल। सो ये 100 तक जाएगा, मुझे ओबियसली यहाँ पे पता है 24,000 यहाँ पे 750 वाला यहाँ पे जाएगा 100 तक, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रीमियम खा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये जाएगा ऊपर ही गाइस। सो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा प्रीमियम डिके कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, कोई बात नहीं, जाएगा ये ऊपर ही मार्केट। सो देख सकते हो कितना अच्छा ओआई काम करता है मार्केट में। सो आप लोग यहाँ पे मार्केट में बिग मनी लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो
वाई को देख के आप लोग यहाँ पे पता चल गया, जब इस साइड ज़्यादा रहता है तो आप लोग को क्या करना है, पुट बाय करना है। और जब इस साइड ज़्यादा रहेगा, जब इस साइड ज़्यादा रहेगा तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट गाइस, जब इस साइड ज़्यादा रहेगा तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे, कॉल बाय करना पड़ेगा। ये तो आप लोग को पता चल ही गया गाइस क्या होता है वाई को देख के। अब नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, जून 25 को, जो मंथली एक्सपायरी होगा यहाँ पे, जून 25 को मंथली एक्सपायरी है गाइस। यहाँ पे जो है बिग मोमेंट बनेगा, और इस दिन आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो 500 से आप लोग 5,000 भी बनाओगे, 10,000 भी। यहाँ पे जो है 2 रुपये वाला प्रीमियम 200 भी हो जाता है जब यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगा रहता है मार्केट में। सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैसे नीचे जा रहा है, 24,750 का यहाँ पे देख सकते हो कैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर, कैसे 52 पैसे यहाँ पे 56-60 जाएगा। अभी देख सकते हो धीरे धीरे ये 100 पे 100 क्रॉस करेगा, मुझे लग रहा है 100 और 150 भी क्रॉस कर सकता है गाइस, लेकिन 100 का ही टारगेट रखना है गाइस, 100 का टारगेट रखना है। सो ज़्यादा लालच नहीं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैसे मार्केट मूवमेंट करता है। अब मैं आप लोग को देख एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे हर एक दिन एक्सपायरी होता है, हर एक दिन वीक में हर एक दिन एक्सपायरी होता है, तो हर एक एक्सपायरी का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक एक्सपायरी का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। अगर एक बिगनर्स हो तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है निफ्टी 50 में ये स्टार्टिंग करना है एक्सपायरी वाले दिन से। सो मैं यहाँ पे, अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोग हर एक एक्सपायरी में 500 से रिस्क ले सकते हो। अगर कभी अगर लगातार 4 दिन लॉस हुआ, अगर कभी मूवमेंट में यहाँ पे एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी में 2 रुपये वाला प्रीमियम 200 पे चला गया तो यहाँ पे सारा रिकवर हो जाएगा, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 200-300% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। सो ऐसे यहाँ पे कैप्चर करना है जिसके पास पैसा है। सो यहाँ पे ये वाला ट्रिक वही करेगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, वही करेगा। अगर एक बिगनर्स हो तो ये यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह, सट्टा की तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट में आप लोग को एंट्री करना ही नहीं है। अगर आप लोग को कुछ नहीं पता है तो मार्केट में एंट्री करना ही नहीं है। अब एक मिनट गाइस मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि यहाँ पे ITM, OTM और यहाँ पे ATM क्या होता है, कौन सा प्रीमियम प्राइस आप लोग को बाय करना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पे ये जो हम लोग का रहता है, ये ITM रहता है, इसमें जो है जल्दी फास्ट मूवमेंट करता है मार्केट। इसमें देख सकते हो यहाँ पे मार्केट जो है फास्ट मूवमेंट करता है, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट किया है, कितना ज़्यादा यहाँ पे, ये कितना पे था गाइस, 46 पे था, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना पे गया था, यहाँ पे 100, यहाँ 8 रुपये वाला प्रीमियम देख सकते हो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे 123 पे चला गया। यही होता है एक्सपायरी का कमाल का, एक्सपायरी के दिन 2 रुपये वाला प्रीमियम कभी कभी 700 पे भी चला जाता है। लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे मूवमेंट करता है मार्केट। सो यहाँ पे ITM में वही होता है। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ITM, सॉरी गाइस OTM लेता आउट ऑफ द मनी में, तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट मूवमेंट तो किया लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपये वाला प्रीमियम चला गया 28 रुपये पे। सो देख सकते हो अगर मैं इसे मैं 2 रुपये पे बाई करता तो कितना फंड लगता, अगर मैं इसे 25 पे भी बेचता तो यहाँ पे देख सकते हो 71 रुपये का फंड लगता, 25 पे भी यहाँ पे बेचता तो मुझे 647 रुपये का प्रॉफिट होता। मान के चलो यहाँ पे 500 ही प्रॉफिट होता, तो 500 कम हुआ, 100 रुपये लगा, कभी कभी 2,000 प्रॉफिट मिल जाता है, 500 तो कम होता है गाइस एक्सपायरी के दिन। यहाँ पे एक्सपायरी लो, एक्सपायरी का मज़ा लो, पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। सो गाइज यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। सो यहाँ पे ITM, OTM और यहाँ पे ATM में समझा देता हूँ फिर से गाइज। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है ये होता है हम लोग का ITM, यहाँ पे देख सकते हो, और ये यहाँ से यहाँ तक का होता है ATM। ATM जब मार्केट मूवमेंट करता है तो हमेशा ATM में बाय करना, जैसे देख सकते हो 24,727 पे मार्केट गया है 29 पे, तो मुझे कौन सा प्रीमियम प्राइस बाई करना चाहिए था अभी, यहाँ पे 24,700 का यहाँ पे बाई करना, अभी मुझे बाई करने का, मुझे लगता है मार्केट कॉल साइड जाएगा तो मुझे ये वाला प्रीमियम प्राइस बाई करना है। सो गाइस ये वाला प्रीमियम प्राइस बाई करना है, ओके, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो ये वाला प्रीमियम प्राइस में यहाँ पे ITM में, ये होता है इन द मनी में, यहाँ पे ठीक अपोजिट इस साइड रहेगा, यहाँ पे पुट साइड में जो है इस साइड रहेगा, यहाँ पे ITM इस साइड बिग मनी लगता है, यहाँ पे जल्दी पैसा बनता है। और ये होता है OTM, और ये भी होता है OTM। OTM में कभी आप लोग को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना ही है नहीं है, कभी OTM खेलना ही नहीं गाइस, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं बनता है, प्रीमियम भी बहुत डीके होता है गाइस।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो। गाइस सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे